सिर्फ 4 दिन पानी में उबालकर पी लो, पूरी जिंदगी शुगर रोग, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा और दिल से जुड़ी बीमारियां आपको जिंदगी में कभी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को बनाकर दिखाऊंगा जिसका प्रयोग करके आप अपने शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज कर सकते हैं, चाहे वो बीमारी आपके शरीर में कितनी भी पुरानी से पुरानी हो या फिर कितनी भी बड़ी से बड़ी हो। दोस्तों, इस नुस्खे को यदि आप हर रोज कुछ दिन यानी 15 दिन लगातार सेवन कर लेते हैं तो इससे आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति अधिक होगी तब आप हर तरह की बीमारी से बचे रहेंगे। बहुत तरह की बीमारियां आपके शरीर के आसपास भी नहीं आएगी। इसके साथ में दोस्तों, ये नुस्खा आपको शुगर जैसी बीमारी से भी बचा कर रखता है। यदि आप इसका सेवन हर रोज करेंगे तब आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा। ये डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके साथ में दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करता है जिससे कि आपको हार्ट ब्लॉकेज नहीं आती, और जब आपको हार्ट ब्लॉकेज नहीं आएगी तब आपको हार्ट अटैक भी नहीं होगा। दोस्तों, ये नुस्खा आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है। और दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि यदि आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा तब आपको पेट से जुड़े रोग नहीं होंगे, आपको कभी कब्ज की समस्या नहीं होगी, आपको पेट में गैस की समस्या नहीं होगी और इस एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। और दोस्तों, हमारी ये 3 समस्याएं, कब्ज, पेट में गैस और एसिडिटी, हमारे शरीर के 72 बीमारियों का कारण बनती हैं। दोस्तों, इसको लेने से आपका मोटापा, आपकी पेट की चर्बी, कमर की चर्बी, जांघों की चर्बी मक्खन की तरह पिघल जाएगी। इतना चमत्कारी है ये नुस्खा। और इसके अलावा भी इस नुस्खे के बहुत सारे चमत्कारी फायदे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है दोस्तों तरबूज। और दोस्तों, आपने तरबूज तो खाया होगा लेकिन क्या कभी आपने इसके बीजों का प्रयोग किया है? दोस्तों, इसके बीज आपके शरीर के लिए एक रामबाण औषधि है। दोस्तों, इसके बीजों में लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है जो आपके शरीर के लिए एक लाभकारी तत्व की तरह काम करता है। ये खनिज, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों से भरा हुआ है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका प्रयोग करने के चमत्कारी फायदों के बारे में। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका सेवन आपने करना कैसे है इन तरबूज के बीजों के बारे में। हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए दोस्तों, तरबूज के बीजों में मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह हृदय के सामान्य कार्य और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। एक अध्ययन के मुताबिक दिल के लिए तरबूज के बीज बेहद अधिक फायदेमंद है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सिडेंट, सूजन को कम करने वाले और रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने वाले गुण होते हैं। इसके बीज के अर्क में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। मैग्नीशियम एक खनिज है जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में योगदान करता है जो इस हृदय की स्थिरता के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह हार्ट फेलियर को रोकने में भी बहुत अधिक चमत्कारी है। दोस्तों, इस मैग्नीशियम की कमी के कारण भी हमें हार्ट से जुड़े रोग होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ा रहता है। डायबिटीज रोग में तरबूज के बीज के अर्क को एंटी डायबिटिक माना जाता है जो प्लाज्मा ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। दरअसल, तरबूज के बीज ग्लाइकोजन को स्टोर करने में सकारात्मक तरीके से मदद करते हैं। इस वजह से माना जा सकता है कि तरबूज के बीज डायबिटीज रोगियों के लिए एक वरदान की तरह काम करते हैं और इनके शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा भी तरबूज में ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है जो डायबिटीज 2 के रोगियों के लिए बहुत अधिक वरदान है और इस रोग के होने की संभावना को कम करता है, इम्यून सिस्टम को बनाए मजबूत। दोस्तों, यदि आप हर रोज तरबूज के बीजों का ये काढ़ा हर रोज बनाकर पिएंगे तब आप देखेंगे कि आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों, यदि आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति हाई होगी तब आप बहुत तरह की बीमारियों से बचेंगे। दिमाग को तेज करने के लिए, मस्तिष्क विकास और उसको स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्व बेहद अधिक जरूरी हैं। अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो हमारे दिमाग को बातें याद रखने और नई चीजों को सीखने की क्षमता कम होने लगती है। इसलिए दिमाग से संबंधित इस बीमारी का नाम अल्जाइमर है। इससे बचने के लिए आपको इन तरबूज के बीजों का सेवन करना चाहिए। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए
दोस्तों यदि आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं और इस पेट से जुड़े सभी तरह के रोगों से बचे रहना चाहते हैं, जैसे कब्ज, पेट में गैस, एसिडिटी आदि, तब आपको तरबूज के बीजों का सेवन करना चाहिए। तरबूज के बीजों में लैक्सेटिव गुण और फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसलिए यह इन बीजों के सेवन से आपका पाचन तंत्र मजबूत बनाता है। दरअसल लैक्सेटिव गुण मल त्यागने में मदद करता है, जिससे आपको इस कब्ज की समस्या नहीं होती। त्वचा को साफ करने के लिए और स्किन में सुधार करने के लिए दोस्तों, यदि आप इस काढ़े का सेवन हर रोज करेंगे तब आपका चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, क्योंकि ये एंटी एजिंग का काम करेगा और आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक देगा, जिससे कि आप हमेशा जवान दिखाई देंगे। बालों के लिए दोस्तों, तरबूज के बीज हमारे बालों के लिए भी बहुत अधिक चमत्कारी है। दरअसल इसमें जिंक की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इस पोषक तत्व की कमी की वजह से बालों के झड़ने की समस्या होती है, इसलिए दोस्तों आपको इस काढ़े का भी सेवन करना चाहिए और इस काढ़े से अपने बालों को भी धोना चाहिए यदि आप बालों के झड़ने से परेशान हैं, क्योंकि ये इसका एक अचूक उपाय है मोटापे को कम करने के लिए। दोस्तों यदि आप मोटापे को कम करना चाहते हैं और इस अपने पेट की बढ़ी हुई चर्बी का इलाज चाहते हैं और इस मोटापे के कारण होने वाले बहुत तरह के रोगों से बचना चाहते हैं, तब भी आपको इस काढ़े का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये काढ़ा आपके मोटापे को कम करके आपको बहुत तरह के रोगों से बचाएगा। दोस्तों यदि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है दोस्तों, तब भी आपको इस काढ़े का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस काढ़े के सेवन से आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे आप हर तरह की हार्ट ब्लॉकेज से बचे रहेंगे और आपका दिल भी मजबूत होगा। यानी ये कोलेस्ट्रॉल का इलाज करेगा, हार्ट ब्लॉकेज का इलाज करेगा और आपके दिल को मजबूत बनाएगा। ऐसा है ये तरबूज के बीजों का काढ़ा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आपने इनका प्रयोग करना कैसे है। दोस्तों आपने क्या करना है, एक मुट्ठी तरबूज के बीज लेने और इनको अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। अब आपने क्या करना है, दो गिलास पानी लेकर उसको आग पर उबलने के लिए रखना है। अब उसमें इन तरबूज के बीजों की एक मुट्ठी आपने डाल देनी है और इसको धीमी आंच पर तब तक उबालना है जब तक कि आपने दो गिलास पानी लिया था और वो एक से डेढ़ गिलास के आसपास न रह जाए, और जब वह इतना रह जाए तब आप इसको आग से उतार लें और इसको मसल कर ऐसे ही पी जाएं और इन बीजों को भी चबा चबा कर खा जाएं। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आपको इसके चमत्कारी नतीजे दिखाई देंगे, आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी, आप बिल्कुल स्वस्थ बन जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, हार्ट ब्लॉकेज और शुगर जैसी बीमारियां बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।